everyone, this is Nushrat and welcome back to my YouTube channel NK Edupia. So my dear student, आज की इस वीडियो में हम करेंगे exercise 4.4 of NCERT class 10 question number 2. तो देखते हैं question number 2 क्या कहता है. So they are telling find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal rules. Question कह रहा है simply कि हमें k के values find out करने हैं. के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बट ओके के लिए हमारे इक्वल रूट्स होने चाहिए. दोनों के दोनों इक्वल रूट्स होने चाहिए. फॉर द वैल्यू ऑफ के देयर शुड बी टू इक्वल रूट्स. दोनों के दोनों हमारे के की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इक्वल रूट्स होने चाहिए. ओके सो के यू नो हम देख सकते हैं वीडियो पे दैट देयर आर टू इक्वेशंस. दो इक्वेशंस हैं वीडियो में आप देख सकते हो. ओके सो दोनों इक्वेशंस को मींस दो इक्वेशंस मींस दो पार्ट. दोनों इक्वेशंस को हम इसमें करके देखेंगे. बहुत सिंपल है क्योंकि वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है. सो लेट्स सी. यू नो हम देखते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है. ओके सो हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 3. सो we will find the value of d. discriminant find out karenge sabse pehle. b square minus 4 ac by sorry b square minus 4 ac. what is b? b ki value kitni hai? k. so k square minus 4 ac. what is a? 2. what is c? 3. so k square minus 4 2 is 8, 8 3 is 24. k square minus 24 hamare paas d ki value aati hai. okay बट फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो. फॉर इक्वल रूट्स के लिए डी शुड बी इक्वल टू जीरो. डी की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? हियर के स्क्वायर माइनस 24 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. फॉर इक्वल रूट्स डी शुड बी इक्वल टू जीरो. बट व्हाट इज डी के डी कितने के बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर. डी की वैल्यू कितनी आती है? के स्क्वायर माइनस 24. डी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो. सो अब हम क्या करेंगे कि एक स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे. 24 गिव्स शिफ्ट टू दिस साइड प्लस में आ जाएगा. ओके सो के इक्वल्स टू रूट ओवर 24. प्लस माइनस में रूट ओवर आते हैं. प्लस माइनस 24 यहां पे कर देते हैं. यहां के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो. सो के इक्वल्स टू 24 दिस साइड विल कम के स्क्वायर इक्वल टू 24. देयरफॉर के इक्वल्स टू रूट ओवर 24 प्लस और माइनस में. ओके व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24? यू कैन फाइंड आउट हियर. 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 2 कॉमन लेंगे 1 2. So here it will be 2 under root mein 2 3 jar 6. 2 root 6 will be under root. Plus minus mein. So k equals to plus minus 2 root 6. So you know what? So you know equations हमारे जो भी under root में होते हैं plus minus में होते हैं. यहाँ पे भी हम करेंगे plus minus. Hence the two roots are the two roots are 2 root 6 and minus 2 root 6. Understood? Clear? बहुत ही सिंपल है. नो एनी प्रॉब्लम. सो लेट्स सी हम देखते हैं. ओके सेकंड पार्ट सेम है. हमें यू नो सिंपली के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लाना होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे. ये x स्क्वायर सॉल्यूशन है. माइनस के एक्स इंटू टू 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ओके हियर सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नाउ. अब हमारे फॉर्म में हो गया ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यहां हियर a की वैल्यू कितनी है? k. b की वैल्यू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू 6. सो अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे.
d equals to b square minus 4ac. What is the value of b? Minus 2k. So minus 2k square minus 4ac. A कितनी है? K. C is 6. So 2 का square 4, 4k square minus 6 for the 24k. Okay? But also the question is saying that. Question क्या कहता है? कि you know what? We have to find the value of k. K के values find out करने हैं real roots के लिए. So you know for real roots के लिए क्या होना चाहिए? For real roots के लिए d should be equal to 0. D 0 के बराबर होना चाहिए. And what is the value of d? 4k square minus 24k. And that is equal to 0. Okay? चलो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा. For real roots, 4k square minus 24k and that is equal to 0. D equals to 0. D की value कितनी है? 4k square minus 24k and that is equal to 0. क्योंकि यहाँ पर D की value ये आती है, right? Okay. So 4k written करेंगे आप. And what is left? K. K minus 4 6 are 24 equals to 0. So 4k equals to 0 here and here k minus 6 equals to 0. Therefore k equals to 0 by 4. Okay, 0 अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे what will come? Value कितनी आएगी? K equals to 0. K की value 0 आएगी यहाँ. Here k minus 6 equals to 0, a equals to 6. K की value कितनी आती है यहाँ पे? 6. Just look here my dear friend. अगर k की value हम 0 यहाँ पे put करते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं. जस्ट लुक हियर, इफ अगर हम k के वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें, ओके, इफ k इक्वल्स टू 0, अगर हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0, 0 इनटू ओके k माइनस 6 मींस 0 माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0. बट 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 6 0 के बराबर नहीं है. ओके, हेंस हम सिंपली कह सकते हैं ओके the value of k is, the value of k कितनी है? 6. क्योंकि you know 6 is equal to 0. ओके, अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू लेते हैं then that is not equal. ओके, सो हम k की वैल्यू क्या लेंगे? 6. 0 is not possible. ओके, understood? आज समझ